हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा, होर जो। हाँ जी, कल आपां क्वेश्चन किया सी रस कोट बारे। ठीक है जी, अज इस फर्स्ट क्वेश्चन करांगे रावण सैकिंग माउंट लौरा एट कलास एट लौरा। मान लो रावण की है कैलाश पर्वत में हल्दा होया गा, ये क्वेश्चन है गया जी। हाँ जी बेटा, आ तस्वीर आ गई। रावण की है गुफा के बंद है, उपर सिर ते पार्वती भी बैठे ने। सारी ये तस्वीर का ही वर्णन किया गया गा। एक कैलाश मंदिर के विच बनाई हुई हैगी, बहुत ही बढ़िया कारीगरी की गई हैगी। नंद मंडल के नेड़े दरवाजे के दोनों पासे द्वार पर जिन्हां दे हाथां दे विच तसूर फड़े हुए ने, वो खड़े ने। हाँ खड़े ने राजे द्वार पर ने, जिहड़े जिन्हां ने हाथां दे विच तसूर फड़े हुए ने, ते वो अपने आप विच कलात्मक नमूना गा। कंधा के उत्ते भी बड़े भिन्न भिन्न रामायण का भी वर्णन किया गया गा। मंदिर के चार सफेरे कंधा के उत्ते बनिया मूर्तियां विच रावण जी कैलाश नूं हिला रहा गा। ये जो बनिया हुई मूर्ति ये रावण खड़ा गुफा के बंद आ, ये एवें लग रहा जिवें कैलाश पर्बत आ जिहड़ा इहनूं हिला रहा होवे। रावण कैलाश पर्बत नूं हिला रहा गा। ये दृश्य के शिव ते पार्वती ने जिहड़े कैलाश पर्बत के उपर बैठे ने, तो इन्हों की होर भी फैमिली बैठी आ, बैठे ने शिव ते पार्वती राजे, इन्हों की होर भी फैमिली बैठी हैगी। भगवान शिव अपने पैर के एक अंगूठे के नाल कैलाश पर्बत को ठीक टच कर रहे हैं। हेठा रावण जी के 10 सिर ने, वह गुफा के विच कैद आ, उहदा की है सांह घुट रहा गा, वह की है गुफा में हिला रहा गा, जबकि वह कैलाश पर्बत में डिगन की कोशिश कर रहा है। पार्वती हैगी जिहड़ी सिर ते पार्वती आ, उहदे नाल होर भी देवते ने, वह हवा के विच उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रावण अपनी सारी ताकत नाल कैलाश में तबाह करन दे विच लगा होया, देखो टच कर रहा पर्बत में हिला रहा गा, जिस उत्ते सिर ते भी विराजमान ने। इस दृश्य के विच कलाकार ने बुराई ते चंगियाई की जित नूं दिखाया गया, ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ਿਵਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਨੂੰ। ਦੈਤ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਵਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਏਕੀਕਰਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਰਾਵਣ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਿਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਰਾਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਵਣ ਕੀ ਆ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।